तो WWE के अंदर होने वाले सुपरस्टार्स एक बार फिर से काफी ज्यादा जल्दी रिलीज। अब मैं इसे गुड न्यूज कहूँ या फिर बैड न्यूज, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो काफी लोग कहेंगे कि भाई बंदे की नौकरी जा रही है, WWE सुपरस्टार रिलीज हो रहे हैं और तो उसे गुड न्यूज कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूज है वो एक गुड न्यूज भी एक बैड न्यूज भी है। तो क्या WWE सुपरस्टार्स की फ्यूचर रिलीज को लेकर न्यूज आई है सामने, उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। अब WWE रिलीजेस करती रहती है, लेकिन भैया जो प्रॉफिट आया ना WWE का सामने साल 2022 का, और उसको सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे और कहोगे भाई ये बढ़ो कितने पैसे और बचाएगा। साथ में बिग कैश का लग ऐसा रहा कि WWE का एक बार फिर से कमबैक होगा उनके AEW डेब्यू के बाद। और जॉन सीना ने कहा कि ऑस्टिन थ्योरी जैसे फैंस हो के वो काफी ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को आने वाले स्मैकडाउन के शो को लेकर एक क्विक अपडेट के साथ में। जो WWE का कल का स्मैकडाउन का शो होने वाला है वो गो होम एडिशन होगा रेसलमेनिया बैकलैश को लेकर। बाय द वे शो के ऊपर हमारे कुछ मंडे नाइट रॉ के जो सुपरस्टार है ऐसा बताया जा रहा है वो भी अपीयर होते हुए नजर आएंगे। ये बात बताई जा रही है कि जो RK ब्रो जिनका मैच होने वाले रोमन और ब्लड लाइन के साथ में वो भी अपीयर होंगे ड्रू मैकइंटायर के साथ स्मैकडाउन के शो के अंदर। और ओवरऑल जो WWE यहां पर उनके रेसलमेनिया बैकलैश के मैच को हाइप करती हुई नजर आएगी। और RK ब्रो करंटली शेड्यूल की जा रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दोनों भी शेड्यूल्ड है स्मैकडाउन के लिए। लेकिन बस फर्क यहां पर ये होने वाला है कि जो WWE इन दोनों का जो मैच है डार्क मैच करवाएगी, यानी कि ऑफ एयर के अंदर हमें कल कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच दिखाई देगा, वरना जो RK ब्रो हैं वो शो पर होंगे ऑन ईयर में। तो मजा आने वाले, देखते हैं WWE किस तरीके से हाइप करती है अपने फाइनल शो के ऊपर रेसलमेनिया बैकलैश 2022 को। आज की जो माइंड नेक्स्ट अपडेट है वो भी इस बार एक क्विक अपडेट है। ये जुड़ी है AEW के रिसेंट आई में फॉरबिडन डोर्स वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। ये प्रीमियम लाइव इवेंट कहने की वैसे आदत होगी। PPV होने वाला है यहां पर। जो AEW वाले वो NJPW के साथ आएंगे, न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ आके एक कंबाइन शो करते हुए नजर आएंगे, जो कि सुनने में काफी क्रेजी लग रहा है। और होता है कि रिसेंट आमे जो AEW वाले और NJPW वाले इसकी जो प्री सेल है या फिर जो टिकट सेलिंग है अर्ली वाली वो रिलीज करते हुए नजर आते हैं, और इसमें 14,000 और 11,000 के आसपास जो ऐसे टिकट वैल्यू है वो रिलीज करती है पहले। और बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर ये 14,000 जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट होती हुई नजर आती। 11,000 से ज्यादा वैसे वैल्यू जो टोनी खान मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 14,000 के आसपास वो वैल्यू बताई जा रही है कि भाई 40 मिनट में 14,000 जो टिकट्स हैं वो अराउंड बुक होती हुई नजर आती है AEW फॉरबिडन शो के लिए, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी मैसिव और काफी बड़ा नंबर। और 40 मिनट के अंदर ऊपर से सोल्ड आउट हो रहा है, और ऑफकोर्स ये जो रिपोर्ट है और रिजल्ट्स भी कंफर्म करता हुआ नजर आता है कि टोनी खान ऐसे हवा में नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वाली चीज हुई है। तो भाई सुनने में काफी मुझे सरप्राइज लगा कि AEW वाले इतने तगड़े से और धड़ल्ले से भी फिलहाल टिकट सेलिंग कर रहे हैं। और बताया जा रहा है ऑलरेडी जो 20,000 और लोग हैं क्विक के अंदर बैठे हैं, यानी कि मान लो टिकट खत्म होगी, मैंने नोटिफाई वाले बटन पे क्लिक कर दी कि भाई जैसे टिकट्स अवेलेबल हो मेरी यहां पर टिकट बुक हो जानी चाहिए, या फिर अगर वहां आके भैया एडवांस पेमेंट कर दो या फिर मैं एडवांस पेमेंट करके भी ऑलरेडी अपने लिए टिकट परचेज कर लेना, तो भाई ये सीन यहां 20,000 फैंस का और है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए अभी से 34K के जो अराउंड है वो टिकट सेलिंग हो चुकी है इस वाले शो के लिए। लग गया सर एक तगड़े वे में जो फैंस है इस वाले शो को अटेंड करते हुए नजर आएंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सीनेशन लीड है 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। रिसेंट में जॉन सीना ने कहा है कि ऑस्टिन थ्योरी जैसे फैंस होकर वो काफी ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, जो कि मुझे सुनकर थोड़ा हैरान कर देना लगा। वैसे ऑस्टिन थ्योरी ने काफी बार कहा वो जॉन सीना से काफी मोटिवेट होते हैं, जॉन सीना की तरह नेवर गिव अप बनना चाहते हैं अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और पूरी जिंदगी के अंदर वो जॉन सीना को फॉलो करते हुए नजर आ रहे। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में सीना का हमारा इंटरव्यू होता है और जॉन सीना यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आने वाले टाइम में उनका एक ऐसा टाइम आएगा जब उन्हें थैंक्स करने का मौका मिलेगा पूरी WWE ऑडियंस को, WWE यूनिवर्स को, इस चीज के लिए कि क्या चीजें उन्होंने जॉन सीना को सिखाई है। जॉन सीना कहते हैं सिर्फ प्रोफेशनल वाले स्टैंड पॉइंट से नहीं, लेकिन ये जो ऑडियंस है उन्होंने जॉन सीना को एक बेहतरीन एक ह्यूमैनिटी वाला अच्छा इंसान बनाया। और यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं सिर्फ ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि फेलियर क्या होता है, प्रसिस्टेंस क्या होता है, और ऐसी बहुत सी अनगिनत चीजें जो कि WWE यूनिवर्स ने, WWE की ऑडियंस ने जॉन सीना को सिखाई है, जिसका जॉन सीना हमेशा थैंक यू करना चाहते हैं। साथ में बताते कभी मैंने सुना कि भाई मैं रेसलमेनिया 21 देखता हूँ, या फिर कई बंदे कहते हैं जैसे ऑस्टिन थ्योरी है वो बताते हैं कि भाई जो जॉन सीना उसको देख के वो बड़े हुए नेवर गिव अप वाले इंसान बने जॉन सीना के कारण। तो ऐसे फैंस को देख के या फिर ऐसे लोगों को देख के मेरा हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ WWE का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं WWE वाली जो चीजें हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, लोग मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये जॉन सीना को बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लगती है। और ये जो चीज है एक्चुअल में जॉन सीना को एक बेहतरीन इंसान बनाती है, और ये वो रीजन है वो
WWE के फैंस का, ऑस्टिन थ्योरी जैसे फैंस का और बाकी WWE यूनिवर्स का एकदम दिल से थैंक्स करना चाहते हैं। तो भाई ये कुछ बड़ी बात है यहाँ पर सीना ने कही है। अब ऑस्टिन थ्योरी का यहाँ पर लगातार मेंशन हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है इन फ्यूचर सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी काफी जल्दी होगा। लेकिन ये कुछ वे में जो जॉन सीना बताते हुए नजर आते हैं कि WWE यूनिवर्स ने उन्हें पूरे अपने करियर के अंदर क्या कुछ सिखा डाला है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग कैश के बारे में, जिनका रिसेंट हमें AEW का डेब्यू वार्डलो के खिलाफ आते हैं और अनफॉर्चुनेट वे में अपने AEW मैच में हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो बातें अलग है, लग ऐसा है कि उनका जो AEW का डेब्यू वो हेल्प करने वाला है उनकी WWE के रिटर्न को लेकर। रिसेंट हमें जो रिपोर्ट है वो एंड्रयू ज़ारन की तरफ से आती है सामने, जो कि WWE के काफी ट्रस्टेड सोर्स है, और बताते कि जैसे उनका AEW डायनामाइट वाला मैच खत्म हुआ था ना, काफी सारे WWE के ऑफिशियल्स ने एंड्रयू ज़ारन को मैसेज किया था और कहा था कि भैया तुमने उस बंदे का मैच देखा, और बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर जो WWE के ऑफिशियल्स हैं वो काफी इंप्रेस हैं बिग कैश के रिटर्निंग AEW मैच से। अब यहाँ एंड्रयू ज़ारन साथ में ये बात भी कंफर्म करते हैं कि उनका इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये बात कंफर्म हो समझ लेना कि बिग कैश WWE के अंदर आ जाएंगे। इवन ये बताया जा रहा है कि कुछ WWE के ऑफिशियल्स ने एंड्रयू ज़ारन से खुद पूछा कि जो बिग कैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कंपनी के साथ है या फिर नहीं, अगर है तो भाई कब एक्सपायर हो रहा है। ये सारी जो डिटेल है वो WWE के ऑफिशियल्स ने पूछी है बिग कैश के बारे में, और लग ऐसा है कि WWE एक बार फिर से इंटरेस्टेड है बिग कैश की WWE रिटर्न को लेकर। चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अगर इंटरेस्ट आता सामने वाले सुपरस्टार के ऊपर तो भाई WWE जी जान लगा देती है उस सुपरस्टार को साइन करवाने के लिए। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि शायद जो बिग कैश का AEW का डेब्यू है वो हेल्प करने वाला उनकी WWE के रिटर्न को लेकर। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार WWE के मोटी रकम वाले मुनाफे के बारे में जुड़ी है। अब WWE को हर साल भैया तगड़े वे में प्रॉफिट होता है, अगर इतने बड़े बड़े ये लोग शोज करवाते हैं, रेसलमेनिया हो गया, रिसेंट टाइम में WWE 2K22 वाली गेम आई थी, इतने बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, आने वाले टाइम में समर स्लैम मनी इन द बैंक होने वाला है। तो भाई इसको लेकर रिसेंट टाइम में जो WWE अपने साल 2022 की पहली जो अर्निंग रिपोर्ट है वो रिवील करती हुई नजर आती है, और इस वाली अर्निंग रिपोर्ट के अंदर जो वैल्यू आई है सामने, जो टोटल प्रॉफिट आया सामने WWE का, वो सुन के आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। जो WWE ने टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट की है वो है $333.4 million, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी सुनने में भाई क्रेजी वैल्यू है। आई मीन 333.4 अगर यहाँ करोड़ थे मैं मान भी थे, लेकिन मिलियन डॉलर आए सामने, तो भाई सुन सकते हो मतलब समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीज के अंदर कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर WWE 2K22 का मेंशन होता है किस तरीके से इस साल 2K22 की तगड़ी डिमांड आई है। अलग से WrestleMania का भी एक पेज होता है, यहाँ पर WrestleMania के बारे में बात की जाती है किस तरीके से ग्लोबल वाले के अंदर भी व्यूअरशिप के अंदर इंक्रीज आए, स्पेशली इंडिया का मेंशन होता है यहाँ पे कि 56.1 मिलियन के अराउंड इंडिया से व्यूअरशिप आई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आई है। तो भाई ये कुछ WWE का इस साल का प्रॉफिट हुआ है $333.4 million, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। लेकिन फिर भी WWE सुधरने वाली तो है नहीं, WWE रिलीज पे रिलीज करती रहती, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि विंस मैकमैन जो इंसान है कितने इतने सारे पैसे कहां पे एक्चुअल में ले जाने वाला है, बैंक भर जाएगी भाई इतने पैसों से। बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल न्यूज है वो WWE की रिलीज के सिलसिले के बारे में जुड़ी है। मैंने कहा ना पैसे जितने मर्जी कमा ले, लेकिन ये बुढ़ा इंसान रिलीज नहीं बंद करने वाला है। और होता है कि रिसेंट हमें एंड्रयू ज़ारन की तरफ से वाली अपडेट आती है सामने, अब इसमें गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों इंक्लूडेड है। एंड्रयू ज़ारन ने बात रिवील करते कि उन्होंने पहले एक अपडेट दी थी और उस अपडेट के अंदर ये बताया था कि जो WWE है वो और सुपरस्टार्स को आने वाले टाइम में रिलीज करेगी, और अच्छी न्यूज ये है कि वो सिर्फ डेवलपमेंटल टैलेंट होंगे, यानी कि मे बी वो सुपरस्टार जिनको WWE ने रिसेंट टाइम में नया नवेला साइन करवाया जो कि परफॉर्मेंस सेंटर में है, या फिर वो सुपरस्टार जो कि करंटली NXT के अंदर कंपीट कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार को WWE रिलीज करेगी। उन्होंने वहां पर गलती से वेरी सून वर्ड का जो मेंशन है कर दिया था कि बहुत ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन करेक्ट यहां पर वो करना चाहते हैं वो सून होने वाला है, यानी कि होगा आने वाले टाइम में, लेकिन कब होने वाला है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, ये बातें कंफर्म नहीं है। अब अच्छी न्यूज मैंने यहां पर ये बताई कि रॉ स्मैकडाउन में से करंटली ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि सुपरस्टार उसमें से भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे, जो कि मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट थोड़ी राहत की सांस है, वरना भाई कभी डरवाना रहता है फिन बैलर रिलीज हो जाएंगे, कभी लगता है नाकामुरा हो जाएंगे, कभी लगता है एलेक्सा ब्लिस हो जाएंगी। लेकिन ये सभी फिलहाल जो WWE करेंटली वो डेवलपमेंटल टैलेंट के ऊपर फोकस कर रही है, मेन रोस्टर की रिलीज का सिलसिला भी फिलहाल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी अच्छी न्यूज है। लेकिन डेवलपमेंटल टैलेंट का रिलीज करना भी शायद WWE के फ्यूचर के लिए थोड़ी खतरे वाली बात है, अगर WWE फ्यूचर स्टार बिल्डिंग करेगी तो भाई करने क्या वाली है वो। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि जो WWE का जो फोकस है वो सुपरस्टार्स को रिलीज करने पर तो है, लेकिन मेन रोस्टर के नहीं बल्कि डेवलपमेंटल टैलेंट्स को। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।